नमस्कार सुप्रीम न्यूज़ के अंतर्गत फोर्स में आपका स्वागत। बड़ी खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ पंचायत चुनाव में फायरिंग कर भाग रहे कार से दो अभियुक्त कार से गिरफ्तार। आजमगढ़ में अभियुक्त स्थानीय पंचायत चुनाव में मतदान के पश्चात आजमगढ़ कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बद्धोपुर में बड़ी वारदात की खिलाक में फायरिंग कर कार से भाग रहे दो अभियुक्तों को कार सहित गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 6 अवैध देसी तमंचा व कारतूस बरामद किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती कि प्रधान पद के प्रत्याशी पति गुलाब चंद यादव अपने कुछ साथियों के साथ नजायज असराहे व हाथी गंगा लाठी से लैस होकर कार में बद्धोपुर पोलिंग बूथ से 250 मीटर आगे अपने विपक्षी प्रत्याशी व उनके समर्थकों पर बड़ी वारदात और लोगों में दहशतगर्दी करने के लिए खड़े हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीछा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य अभियुक्त प्रधान प्रत्याशी पति फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इनके पास से दो देसी तमंचा, दो खोखा कारतूस तथा कार में रखा एक झोले में 4 देसी तमंचा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दो अभियुक्तों संदीप यादव और राजू यादव को जेल भेज दिया। आजमगढ़ से राहुल पांडे, खास रिपोर्ट। हम तो आए थे।